हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ये दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एशियन पेंट्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन एशियन पेंट्स में 2.32% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 3185.55 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है कल के दिन जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा इंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं हमें क्या देखने मिलता है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मैं कहूँगा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड में मैं कहूँगा मीडियम साइज के यहाँ पे हमें कैंडल भी देखने मिल रही है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ओपनिंग जरूर जो यहाँ पे पॉजिटिव थी लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स जो थे यहाँ पे ऑलरेडी थे, यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग है उन्होंने की और यहाँ पे डाउन साइड स्टॉक को जो यहाँ पे लेकर आ गए। बाकी यहाँ पे बात करूँ मैं आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे आप देख सकते हैं 51-52 के आसपास जा चुका है जो हमें यहाँ पे दोनों साइड का इशारा देता है। इसकी वजह से मैं हमेशा यहाँ पे कहता हूँ आरएसआई हो या फिर कोई इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली ये स्टॉक अगर मैं कहूँ यहाँ पे अभी जो है 20 EMA यहाँ पे 3166 के आसपास जिसका 20 EMA है और 50 EMA जो है वो भी 3166 के आसपास है जो यहाँ पे अभी भी ये स्टॉक को जो है यहाँ पे मेरे लिए जो है अभी भी यहाँ पे नेगेटिव देता है। मतलब यहाँ पे जो है अभी ये स्टॉक जो फिलहाल अभी भी मेरे लिए नेगेटिव है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँ थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। इवन जो कल के लिए स्टॉक में क्या हो सकता है हम जरूर जो है उस पर नजर बना के रखेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे 20 EMA का जो है यहाँ पे क्रॉसओवर बने, मतलब यहाँ पे 20 EMA जो है 50 EMA को क्रॉस करते हुए जाते हुए हमें देखने कल के दिन मिले तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मैं कहूँगा एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हमारे लिए स्टॉक हो जाएगा। लेकिन करंटली आने वाले दिनों के लिए ये स्टॉक जो है हमारे लिए अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी आपको जो है कोई अपसाइड में जो है बड़ा मूवमेंट बिल्कुल भी स्टॉक में नहीं देखने मिलने वाला। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा 20 EMA 50 EMA दोनों एक ही यहाँ पे है और 20 EMA थोड़ा सा मैं कहूँगा नीचे के साइड में 50 EMA ऊपर है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है अभी भी स्टॉक जो है यहाँ पे नेगेटिव ही चल रहा है, मतलब हमें नेगेटिव साइड का जो इंडिकेशन देता है। कल के लिए चलिए हम देखते हैं हमारा 1 आवर का चार्ट और यहाँ पे आपको जो है मार्क करके बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे हमारे पास एज सच कोई यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं है, जो हमारे पास कुछ अलग से नया डेटा देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे जरूर जो है यूज करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर देता क्योंकि यहाँ पे जो है ये मार्किंग जो है बहुत ही काम आने वाली है कल के लिए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया। बात करते हैं इसके क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते 3176 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे 3163 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो उससे 2 पॉइंट ऊपर मतलब 3178 का जो है यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद है कि डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बीच में अगर ये स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में जो ये स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक भी चीज़ मिस ना करें बिल्कुल भी। यहाँ पे समझ लीजिए
ये स्टॉक जो है कल के दिन, यहाँ पे आप देख सकते गैप बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कल के दिन इस स्टॉक में आपको ओपनिंग जो है बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के लिए, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे आपको मोमेंट जो है डिसाइड करने में हेल्प करेगी। समझ लीजिए ये स्टॉक जो है कल के दिन प्री ओपनिंग के टाइम में 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में जो यहाँ पे प्री ओपनिंग मार्केट हो जाए, जो आपको NSE के वेबसाइट में आपको देखने मिल जाएगा, उस पर आप जरूर देखें आपको यहाँ पे किस तरह से मोमेंट देखने मिल रहा है, क्या वो मोमेंट जो है गैप अप है मतलब 3178 के ऊपर है या फिर गैप डाउन है मतलब 3163 के नीचे अगर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं। पहले हम डाउन साइड का देख लेते हैं। समझ लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे 3163 के नीचे अगर ये स्टॉक में जो है 9:15 के बीच में अगर आपको 3163 के नीचे अगर आपको यहाँ पे उसका जो क्लोजिंग देखने मिला, प्री ओपनिंग का जो क्लोजिंग है वो आपको 3163 के नीचे देखने मिला, तो यहाँ पे आप जो है वेट करोगे 3 रेड कैंडल का 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में शुरू में ही। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं देखने मिला, लेकिन गैप डाउन देखने मिला लेकिन 3163.90 के नीचे नहीं देखने मिला, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे 3163 के नीचे जाने का और फिर यहाँ पे वापस से आप जो है वेट करोगे 3 रेड कैंडल बनने का। जैसे ही आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, आप जो है यहाँ पे चौथे कैंडल पे एंट्री लेते हुए 3125 जो हमारा अगला सपोर्ट आता है 3125 से आपको मैं कहूंगा 8 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे आपको जो है जाना है 3133 के अपने टारगेट, एज ए टारगेट आपको लगाना है 3133 का, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टारगेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं कहूंगा प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो यहाँ पे जरूर जो है आप उसको ग्रैब कर ले अगर कंफर्मेशन कैंडल आपको देखने मिली तो। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की, अपसाइड यहाँ पे समझ लीजिए गैप अप ओपनिंग हुआ स्टॉक में, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते 2 ही पॉइंट का डिफरेंस है, तो अच्छा खासा यहाँ पे मैं कहूंगा मूवमेंट आपको देखने मिल जाएगा अपने प्री ओपनिंग मार्केट में ही। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं भी देखने मिला तो आप वेट करोगे अपसाइड का, और जैसे यहाँ पे हमारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जो स्टॉक ने क्रॉस किया आप वेट करोगे यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल का, याद रखिए अपसाइड गया तो ग्रीन कैंडल, डाउन साइड गया तो रेड कैंडल। जैसे ही आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, आप यहाँ पे जो है जाओगे सीधा अगला जो यहाँ पे चौथे कैंडल पे एंट्री लेते हो, अगला जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है जो है यहाँ पे 3213 का, उससे यहाँ पे 8 पॉइंट नीचे मतलब 3205 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा लोगे। यहाँ पे आपको डिफरेंस के साथ काम करना है, वो चीज़ जरूर याद रखें, बिना डिफरेंस के यहाँ पे बिल्कुल भी आप जो है यहाँ पे काम ना करें, एंट्री मतलब अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही डिफरेंस के साथ ही यहाँ पे डिसाइड करें। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस जो है क्यों रखना वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिफरेंस आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स है चाहे वो बाइंग साइड हो या फिर सेलिंग साइड हो, वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही उनके ऑर्डर बुक में प्लेस करके रखते हैं, और उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए उसकी वजह से चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, वो जो है उनका ऑर्डर जो है यहाँ पे तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो हमेशा डिफरेंस के साथ रखते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंस के साथ अगर वो रखेंगे तो उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही अचीव हो जाएगा, ईजिली अचीव हो जाएगा। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी जो उनकी वही स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं अपना जो यहाँ पे टारगेट है उसको एक डिफरेंस के साथ रखें, ताकि सबसे पहले तो वो इजीली अचीव हो जाए, और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कभी कभी हमारे ट्रेडर्स जो है ज्यादा क्वांटिटी के साथ बाइंग और सेलिंग करते हैं एक प्राइस पॉइंट पे, तो उस प्राइस पॉइंट पे क्या होता है ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, उसकी वजह से हमारे स्टॉक जो है एग्जैक्ट सपोर्ट जोन साइड जा रहा हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड जा रहा हो वो जो एग्जैक्ट वहां पे पहुंचता ही नहीं है, और उसी से पहले बीच में से जो आपको रिवर्सल देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे बीच में से अगर रिवर्सल आया तो आपको जो रिवर्सल का लॉस हो जाएगा अगर आप वहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट जोन पे या फिर रेजिस्टेंस जोन पे जो अपना टारगेट बना के बैठे हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफरेंस के साथ अपना टारगेट बना के बैठे हो तो यहाँ पे आप जो है रिवर्सल को बिल्कुल ही अवॉइड कर बैठोगे। कैसे, यहाँ पे क्योंकि आपने जो है डिफरेंस के साथ अपना टारगेट रखा था तो यहाँ पे रिवर्सल आने से पहले जो आपने अपना वहाँ पे टारगेट जो हिट कर लिया, मतलब आपने प्रॉफिट जो अपना बुक कर लिया रिवर्सल आने से पहले ही। तो ये दो अच्छे फायदे होते हैं आपके यहाँ पे डिफरेंस रखने, इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ डिफरेंस के साथ जो है यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही मेंटेन करके चले। अब बात नहीं यहाँ पे आपको डिफरेंस किस तरह से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है किस तरह से डिसाइड करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। स्टॉक का मैं क्या करता हूँ वहाँ पे उसका प्राइस देखता हूँ, प्राइस डिजिट देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारे स्टॉक का प्राइस है 3100, डिजिट है 4। तो यहाँ पे इस स्टॉक में आपको जो इजीली फ्लक्चुएशन जो है 8 से 16 पॉइंट का, 8 टू 16 पॉइंट्स का जो फ्लक्चुएशन इस स्टॉक में देखने मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप जो है चार्ट को ज़्यादा टाइम तक देखोगे एक स्टॉक को, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको वो डिसाइड करना है। बाकी यहाँ पे अगर यहाँ पे आप जो है मिनिमम लोगे 8 पॉइंट का
तो यहाँ पे आप उसको इजीली अचीव कर पाओगे, और वहाँ पे जो है मैं आपको मिनिमम ही कह रहा हूँ आपको अपना डिफरेंस रखने को। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहें तो आप जरूर जो है 15 पॉइंट का, 10 पॉइंट का या फिर 16 पॉइंट का भी रख सकते हैं, वो डिसीजन जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आप मिनिमम रखोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, कल यहाँ पे मैं कहूँगा इस स्टॉक में जो है आपको स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है डाउन साइड देखने मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग जो इस बीच में आपको देखने मिल सकते हैं। कल के दिन ऐसा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, एक यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आपको जो कल के दिन जो इस स्टॉक में बिल्कुल भी यहाँ पे एंट्री का मतलब ट्रेड का कल के लिए जो है यहाँ पे मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे जो है एंट्री कर सकते इस प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा सा और नीचे भी मिल जाएगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, आप यहाँ पे भी जो है एंट्री ले सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा जो है ओपिनियन क्लोजिंग का जो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव में है, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव में नहीं मिलेगा स्टॉक का क्लोजिंग। लेकिन आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।